हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं रश्मि हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज नाइट में मेरे परिवार वालों को खाना था मूली का पराठा, तो मैंने उनके लिए आज बनाया मूली का पराठा, और फिर आपके साथ भी मैंने सोचा चलो शेयर कर देते हैं। तो बस आप बने रहिए खाना का जाना भाई रश्मि के साथ, और देखिए मैंने कैसे बनाया था नाइट में अपने परिवार वालों के लिए मूली का पराठा। तो सबसे पहले ना मैंने छोटी वाली जो मूली होती है वो लिया था 7, और उसको फिर मैंने बड़े दांत वाले से कद्दूकस कर लिया था। छोटे वाले दांत से कद्दूकस करोगे तो उसमें ज़्यादा पानी निकलेगा, बड़े वाले दांत से करोगे तो कम पानी निकलेगा। तो अभी हमारी जो मूली है वो कद्दूकस हो गई है। अब मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, और फिर मैंने लिया हाथों में 1 चम्मच अजवाइन, उसको हाथों के बीच में रख के मसल दिया और फिर इसे मिला दिया आटे में। फिर मैंने 2 हरी मिर्च बारीक कट करके ऐड कर दिया, और फिर 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला डाल दिया। नमक जाएगा इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, और धनिया, हरी धनिया तो हमें ढेर सारा इसमें ऐड करना है। फिर हम जो मूली कद्दूकस करके रखे हैं ना उसको आटे में डाल देंगे, और पहले पानी में बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि मूली में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, पहले हमें उससे सुखाना है। अभी हम मूली को अच्छी तरीके से आटे में मिला देंगे, फिर जो थोड़ा बहुत पानी ज़रूरत होगा उसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, पानी बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और टाइट सा आटा गूँथ लूँगी, क्योंकि जो मूली का पराठा बनता है ना तो आटा गूँथते हैं ना तो ये धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है। तो भी हमारा जो आटा है वो परफेक्ट तरीके से मैंने लगा लिया है, थोड़ा टाइट लगाया है, और कुछ देर बाद आप देखो ना ये ढीला हो जाएगा। फिर हम ना इससे बनाएंगे छोटी छोटी सी लोई, और फिर हम उसका बना लेंगे पेड़ा, और फिर हम इसमें लगाएंगे आटा, और फिर हम इसे जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही बेल लेंगे। तो मूली के पराठे में कोई ज़रूरत नहीं है सेप उप देने की, बस अगर आपको सेप देना है तो किसी बर्तन से कट कर लीजिए, बट इस तरीके से भी अच्छा लगता है, और बस इसे अच्छी तरीके से सेक लीजिए। तो मैंने भी इसे तवे पे डाल दिया है, और हम ना इसे मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे। तो अभी देख रहे हो आप ना मैंने इसे पलट लिया है, हल्का हल्का जब दूसरे साइड पक गया तो मैंने इसे पलट दिया, और इसमें ऐड कर दिया सरसों का तेल, आप घी भी लगा सकते हो। और दूसरी तरफ भी मैंने इसी तरीके से अप्लाई कर दिया सरसों का तेल, और आप बटर भी यूज़ कर सकते हो, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है, बटर, घी, तेल। और अभी हम इसको क्रिस्पी क्रिस्पी बना लेंगे, और फिर हमारा जो मूली का पराठा है वो रेडी हो जाएगा। आप इसे दही के साथ खाओ, चटनी के साथ खाओ, अचार के साथ खाओ, हमारे घर पे काफ़ी ज़्यादा पसंद है दही के साथ, तो हम लोगों ने दही के साथ खाया। आप भी बनाओ, खाओ, एंजॉय करो। और इस तरीके से सिंपल वाला मूली का पराठा का रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।